हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस आइकन सो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल को भी कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हम इसी आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे आज काफ़ी ज़्यादा कुछ एक, एक आध अच्छी न्यूज़ है ना कोविड नाइन्टीन के नेगेटिव न्यूज़ के अलावा तो Uh, सबसे पहली जो न्यूज़ है सर्च हिट्स अ न्यू पीक सेंटर अप्रूव्स 551 ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्स तो केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं ठीक है केस लोड्स हाई क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे दिल्ली में तीन दिन थर्ड ऑफ मई तक के लिए और ज़्यादा लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो उन्होंने स्टेट्स को कहा है कि आप जितना भी लिक्विड ऑक्सीजन है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे तो फाइव हंड्रेड PSA oxygen पी एस एक्सीजन जनरेशन प्लान्टे सेटअप किए जाएंगे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अक्रॉस द कंट्री और किसके थ्रू ये किए जाएंगे जो पी एम केयर्स है ठीक है पी एम केयर्स जिसमें पहले भी फ़ंड जो था ये एलोकेट किया गया था जिसमें बहुत सारे जो आ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टाटाज़ है, है ना तो इन सब ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इस वजह से हमारे पास ये फ़ंड है और इसका जो पैसा है वो यूज़ किया जा रहा है लोगों को पब्लिक आ, हेल्थ इंश्योर करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ये सेटअप करेंगे इनमें से जो एट होंगे वो डेली में सेटअप किए जाएंगे और ये जो प्लांट होंगे इंश्योर करेंगे अनप्टेड सप्लाई किसका ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में और एट द डिस्ट्रिक हेडक्वाटर्स फिर वहाँ से ठीक है तो दो दो सौ एक करोड़ रुपीज़ जो थे पहले मैंने बता दिया कि वो एडिशनल वन सिक्सटी टू जो डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पन है ठीक है पी एस ए मतलब क्या होता है पी एस ए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ठीक है तो ये मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये सेटअप किए जाएंगे ठीक है यहाँ पर ये देख सकते हो आप हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्टडक्वाटर अक्रॉस द कंट्री यूजिंग पी एम केयर्स फंड ठीक है uh, fund, अब केसेस केस case जो मतलब लोड है वो बढ़ता जा रहा है अब यहाँ पे मतलब ये होता है कि uh, सोचने वाली बात यह है कि जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन तो हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल है अब जो कोविड नाइन्टीन के पेशेंट हैं उनके साथ क्या हो रहा है जैसे ये है है ना लोग सिलेंडर लेके मतलब कुछ वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई का कि कब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो एटमॉसफेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है हमें पता है कि ट्वेंटी वन परसेंट या फिर कितना Uh, जो ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट अगर हम मोर एक्यूरेट अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इसके अलावा सेवेंटी एट पॉइंट वन परसेंट नाइट्रोजन है बाकी की दूसरे गैसेज है ना तो ज़्यादा पोर्शन किसका हो गया uh, ना नाइट्रोजन का और बाकी के जो गैसेस हैं वो सारे जैसे अर्गन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन हीलियम मीथेन क्रिप्टन तो ये सारी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होता है अब जो कोविड नाइन्टीन का जो पेशेंट है जो बेसिक सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं जैसे आ, टेस्ट चला जाना ठीक है या फिर क्या आ, उसको सोर थ्रोट होना उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना फीवर आना लेकिन सीवियर बहुत ज़्यादा तब हो जा रहा है जब उनको क्या हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है है ना तो मोस्ट पेशेंट्स विथ कोविड नाइन्टीन दे हैव रिस्पेरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके जब रिस्पेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है इस केसेस uh, में उनकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो भी हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे उनको प्योर ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है ठीक है तो वो इसके थ्रू उनको मिल सकती है ठीक है अब ये जो है अगर हम बात करें मतलब ऑक्सीजन uh, के मेथड की यहाँ पे ये बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड अंडरटेक अ डेली स्टेटस रिव्यू इंक्लूडिंग एनालिजिंग डिटेल्स ऑफ केस ट्रैजक्ट्री डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग होगी इम्प्लीमेंटेशन होगा वेरियस एक्टिविटीज़ का और कंसॉलिडेट रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट को भेजी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ठीक है देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेट प्राइम मिनिस्टर हैज़ डायरेक्टेड दैट दीज पी एस ए प्लान शुड बी मेड फंक्शनल एज सून एज पॉसिबल ये इसकी टाइम लाइन अभी नहीं सेट की गई क्योंकि इतना आसान तो है नहीं ये सब करना लेकिन ये बोल रहे हैं कि एज सोन एज पॉसिबल एस एप ठीक है विल सर्व एज अ मेजर बूस्ट टू ऑक्सीजन एबिलिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द बेसिक एम बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग द प्लांट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इज टू फर्दर क्या करना फर्दर एक्सटेंडन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम और इंश्योर करना कि सभी को जो ये फैसिलिटी है हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड हो सके इन हाउस कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी वुड एड्रेस जो डे टू डे मेडिकल ऑक्सीजन नीड्स हैं हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट की तो वो पूरी हो सके एंड सेंटर सेट दैट द प्रोक्योरमेंट ऑफ़ फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन वुड भी डन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो ये ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये सैक्शन किया गया था पी एम केयर फंड से थर्टी थ्री हैड बीन इंस्टॉल्ड ठीक है वन सिक्सटी टू को सेंक्शन किया गया था देन टू हंड्रेड वन करोड़ के और वन पॉइंट वन फिफ्टी फोर पॉइंट वन नाइन मेट्रिक टनस के फिफ्टी नाइन पी एस ए प्लान आर एक्सपेक्टेड टू बी इंस्टॉल बाई द एंड ऑफ अप्रैल एंड अनदर एटी बाई एंड ऑफ मे तो एंड ऑफ मे तक हो सकते हैं और एंड ऑफ अप्रैल तक तो ये ऐसा बोला जा रहा है अब ये बोला है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है एंड दैट इंडस्ट्रीज़ दैट यूज गैसेस ऑक्सीजन कैन बी कंटिन्यू टू डू सो इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन इशूड बाई द मिनिस्ट्री अर्लियर ठीक है तो जो Uh, कुछ मतलब ऑलरेडी कुछ तो uh, जिसमें क्रिटिकल है कि वहाँ पे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद नहीं कर सकते हो है ना सो दिस वाज नॉट एप्लीकेबल दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन क्रिटिकल इंडस्ट्री जैसे फार्मास्यूटिकल्स में ये नहीं है कि यहाँ पे इनको भी मतलब मैंडेटरी है कि ये सप्लाई अपना काम बंद कर दे ऑक्सीजन का इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल पेट्रोलियम रिफाइनरीज स्टील प्लांट्स न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑक्सीजन सिलेंडर मैनुफैक्चरर्स ठीक है तो यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसको इन्वोक किया गया है और ये बोला गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि आप जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो नॉन मेडिकल पर्पस के लिए अलाउ नहीं होगी ठीक है अगर जिस जो भी करता है तो वो फिर मतलब एक ऑफेंस होगा अभी ऑल स्टॉक ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट फॉर यूज़ फॉर मेडिकल पर्पज़ और कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया यानी इंडस्ट्री विद रिगार्ड टू तो यूज़ ऑफ़ लिक्विड ऑक्सीजन दूसरी अगर हम बात करें कि मतलब क्या क्या मैथड अभी हैं Uh, कि किस तरीके से मतलब जनरेट uh, होती है करंटली जो uh, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके तीन मेथड होते हैं ठीक है तीन मेथड क्या होते हैं एक तो होता है क्रायोजेनिक डिस डिस्टिलेशन ठीक है क्रायोजेनिक तो इसमें मतलब क्या होता है जो एयर सेपरेशन है एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है आ, आ, मतलब नाइट्रोजन या फिर एरगन या फिर ऑक्सीजन है ना ये सब को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये एयर को कंप्रेस किया जाता है इसमें ठीक है और उसके बाद दैट विल बी फीड इट इंटू डी इंस्टिलेशन कॉलम्स एंड गेट लिक्विड ऑक्सीजन इससे मिलती है दूसरा जो मैथड होता है वो वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्पन होता है ठीक है वैक्यूम वी एस ए इसको बोलते हैं वैक्यूम स्विंग एडॉपशन तो ये एक नॉन क्रायोजेनिक गैस सेपरेशन टेक्नोलॉजी होती है ये स्पेशल सॉलिड और जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं तो उससे मतलब रिलेटेड uh, होती है अगर हम यहाँ पर पी एस ए की बात करें तो पी एस ए बताया जैसे पी एस ए क्या है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ठीक है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो मेथड होता है वो यूज़ होता है सेपरेट uh, करने में मतलब जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर में है तो वहाँ से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको फिल्टर कर देते हैं एयर से और जो हाई कंसनट्रेशन जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो मिलती है जो मैच करती है जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है थीके? उससे मैच करती है नाइन्टी परसेंट वो प्योर ऑक्सीजन होती है सो टू प्रोवाइड यू विद नाइन्टी परसेंट प्योरिटी ऑक्सीजन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल पार्टीज तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं ठीक है थीके? तो ये है पी एस ए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बशन टेक्नोलॉजी अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम आ, जो बहुत सारे मतलब ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से इंडिया ने क्या किया है जो इंपोर्ट है टेन थाउजेंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वो जो आपने देखे होंगे ना वो जो सिलेंडर जिसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कंसन्ट्रेटर्स ठीक है Ugh, तो कंसनट्रेटर तो हम उसे बोलेंगे कंसनट्रेटर तो वो हम टेन थाउजेंड इम्पोर्ट करेंगे अब क्योंकि हमारे यहाँ पे स्केयर हो गई है उसकी है ना बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे सो मेजर इंडियन जो पोर्ट्स हैं उनको भी वेव ऑफ किया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन अगर है तो वहाँ पर जो भी मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे तो वहाँ पर इम्पोर्ट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे तो ये सब चीज़ें की गई हैं जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव अभी देखने को मिल रहा है नेक्स्ट जो एक बेहतर न्यूज है मतलब इस नेगेटिविटी के दौर में जो एक कोरोना पॉजिटिव ही मतलब एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है पूरी तरीके से है ना लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्या हैं नेशन शेखन प्राइम मिनिस्टर यू एस यू के ई यू प्लज हेल्प ऑन वैक्सीन टू ऑक्सीजन सो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कमेंडेबल uh, जॉब है इंडियन गवर्नमेंट की मेनली जो हमारे एन एस ए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ठीक है uh, Dobhal, तो अजीत डोभाल ने एक बेहतरीन मतलब निगोसिएशन किया है और हमारी पूरी कंट्री का ही एक एफर्ट है कि जो सारे जो कंट्रीज़ हैं यू एस यू के ई यू तो ये सब हमारी हेल्प करने को रेडी हैं वैक्सीन से लेके ऑक्सीजन ठीक है तो यहाँ पे यूएसए ने सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ठीक है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुवेलियन तो इन्होंने हमारे जो काउंटर पार्ट है एन एस इनको संडे को कन्वे किया टू हिम जस्ट एज इंडिया सेंटस असिस्टेंट टू द यूनाइटेड स्टेट हमने कोरोना के टाइम पे जब स्टार्टिंग में पैंडमिक हुआ था तो यूएस uh, एस में बहुत ज़्यादा uh, क्या हो रहा था मतलब देखने को मिल रहा था डिसरप्शन क्योंकि बहुत सारे हमने वहाँ पे उनको मेडिकल सप्लाई दी थी पी पी किट से लेके कर हाइड्रोक्सीक्लोरिक्विन से लेके पैरासीटामोल मतलब जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं फैसिलिटी वो सब हमने यू को एक्सपोर्ट की थी उस टाइम पर तो अभी ये सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे चाइना भी मतलब बोल रहा था इंडिया को कि इंडिया को अपना इंस्टेंस जो है चेंज करना चाहिए वो अपने मतलब यहाँ पे बेनिफिट लेना चाह रहा था चाइना कि इंडिया ने तो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया पर यूएस जो है दोगला किस्म का है मतलब दोगला ये कि वो आपकी मदद नहीं करेगा है ना आपको मतलब वो क्या करेगा ऐसे ही मतलब धोखे में रखा हुआ है कि कुछ हेल्प मिलेगी आपको वहाँ से तो वो क्योंकि वैक्सीनेशन जो है नेशनल उस टाइम पे वो चल रहा था ना कि वैक्सीन नेशनलिज्म वाला कंसेप्ट कि हम पहले अमेरिका लोग अमेरिकन के जो लोग हैं पीपल उनको ही वैक्सीनेट करेंगे उसके बाद बाकी सारे लोग आते हैं तो यहाँ पे अभी यूएस ने ये जो स्टेप है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये हमारी कंट्रीज़ के लिए क्योंकि इस टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा नीड थी इनके सपोर्ट की और उस टाइम पर यह था कि ये भी हम पे डिपेंडेंट थे अभी भी डिपेंडेंट है हमारे बहुत सारे जो इन्ग्रीडियंट हैं जिससे ये फाइजर है ना फाइजर के मॉडर्ना के जो इतने ज्यादा ऐड आते रहते हैं है ना तो वो भी आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे जो मास वैक्सीनेशन चल रहा है वो इन दोनों का ही यूज़ हो रहा है अब इन दोनों का जो यूज़ हो रहा है यूएसए में तो इसमें जो इंग्रेडिएंट ये जो बना रहे हैं तो वह इंडिया के कुछ कंपनीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, है फार्मास्यूटिकल्स यूनिट है तो यहाँ से जा रहा है ठीक है तो दोनों को मतलब जब Uh, ये है कि अगर हम ये सब चीज़ें उनको भी देना बंद कर देंगे तो ऑलरेडी उनका भी सब कुछ बेकार हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें देने का प्रॉमिस किया है फ्रॉम वैक्सीन्स टू इट्स इन्ग्रीडियंट्स ऑक्सीजन टैंकर टू ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स यू एस यू के ई यू ठीक है तो यू के ने भी ई यू ने भी प्लेच किया है हेल्प टू इंडिया दिस कम्स डे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज मन की बात रेडियो एड्रेस ठीक है तो तो ये मन की बात रेडियो एड्रेस के बाद से ये इन्होंने अनाउंसमेंट ये किया है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट है अब यहाँ पे और भी देखने को मिल सकता है कि क्या क्या, क्या है मोर देन 600 हंड्रेड पीसेज ऑफ वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट विल बी सेंड टू इंडिया टू सपोर्ट द कंट्री इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन यूके गवर्नमेंट का ऐसा कहना है ठीक है तो मेडिकल इक्विपमेंट भेजेंगे ये छः सौ पीसेस से ज़्यादा एंड यूनाइटेड स्टेट हैज़ आइडेंटिफाइड सोर्सेज ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर इंडियन मैनुफैक्चर ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन दैट विल इमीजिएटली बी मेड अवेलेबल फॉर इंडिया और कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स को और जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं इंडिया में उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो थियोरेपेटिक्स हैं उसकी भी सप्लाई भेजेंगे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स से भेजेंगे वेंटिलेटर्स भेजेंगे पी 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 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना जो हमारे इमीजिएटली अवेलेबल होगी इंडिया में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो इज परसिंग ऑप्शन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन जनरेशन एंड रिलेटेड

India will soon receive at least a dozen सी containers that will help transport oxygen within the country. तो so, ये भी होंगे ये जो पूरे एंटायर एशिया से शिफ्ट होंगे हमारी कंट्रीज में और सारे जो मेम्बर्स हैं इसके काम कर रहे हैं ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं ये सब आएंगे यहाँ पे एंड यू एस आई पी एफ हैज़ प्लेसड ऑर्डर सोर्स वन लैक पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ठीक है तो ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं इसके अलावा जो डी एफ सी है दैट इज़ यू एस डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन इज़ अ फंडिंग अ सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटी फॉर बायो ई ठीक है तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया का है बायो ई -E, तो यहाँ पे भी ये फंड कर रहे हैं ऐसे इनका ये टारगेट है कि अपना जो ये प्रोडक्शन है इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और एटलीस्ट वन बिलियन जो डोजेज वैक्सीन है ये 2022 के अंत तक ये प्रोवाइड कर पाएं ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं U.S. विल ऑल्सो क्विकली वर्क विद सी टू सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक द मोबलाइजेशन ऑफ एमरजेंसी रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिया थ्रू द ग्लोबल फंड तो सी क्या है सी डी इज सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यू एस ये सब मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई ने भी बोला है कि है, जो जवेंटी सेवन ब्लॉक है ये हमारा जितना भी हो सकता है बेस्ट हम करेंगे और असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे इंडिया को यू विल डू इट्स अटमोस्ट टू मोबलाइज असिस्टेंट सपोर्ट पीपल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने ने मतलब ये सब हम सब ये सपोर्ट करेंगे हमारा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे और तो कोई ऐसी न्यूज है नहीं बाकी यही कि स्टेट आफ्टर स्टेट शट डाउन स्पेशल कोविड सेंटर्स जस्ट बिफोर सेकेंड वेव तो मतलब ये था कि जैसे सेकेंड वेव के हमको इतना आसार नहीं थे हमको ऐसा लग रहा था जनवरी फेबरवरी में कि पहले की तरह सिचुएशन हो गई है वी आर uh, मतलब बैक टू नॉर्मल सिक्योर आ गए हैं हम के मास्क नहीं पहन रहे थे प्रॉपरली बहुत सारे लोग ऑफिस खुल गए थे सब लोग वहाँ पे भी जो स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस थी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो फॉलो नहीं कर रहे थे और यहाँ पे उसी तरीके से मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी जैसे कोविड वार्ड बनाए गए थे तो वो सब क्या कर दिए गए थे हॉस्पिटल जो स्पेशल मतलब कोविड फैसिलिटी को ही डेडिकेटेड थे उनको भी डिसमेंटल कर दिया गया था है ना तो अभी इस वजह से यहाँ स्टेट के बाद स्टेट पर एमरजेंसी लग रही है लॉकडाउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे स्टेट भी हैं थ्री थाउजेंड केसेज फॉर फोर्थ डे इन अ रो गुड़गांव इम्पोज सेक्शन 144 बाकी ये सारे वही हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से इतने लोग मरे इतने मर गए एंड ये सब है फिफ्टीन नोडल टू कीप आई ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल उमर को भी कोरोना हो गया उमर खालिद ओनली ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल फ्रॉम मे वन फोर डाई ऑक्सीजन तो ये सब वही हैं ठीक है पहले ना स्वामी टू पी कैंसिल कैंसल डाइवर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू तो आंध्र तेलंगाना तो यहाँ पे जो साउथ इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करें कर्नाटक में बहुत ज़्यादा केसेस हैं ठीक है कर्नाटक क्या बोल रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन हमको चाहिए दूसरा जो यहाँ पे तमिलनाडु है वो वो भी जूझ रहा है केसेस से वो क्या रहा है आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ऑक्सीजन का डाइवर्जन करना बंद कर दो क्योंकि तमिलनाडु में जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं ठीक है दैन ट्रू म्यूजिशियन टू कॉन मेंटल ऑफ अ जनरेशन राजन मिश्रा ठीक है so, तो पंडित राजन मिश्रा ही पास्ड अवे रिसेंटली सो डेली बेस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलस्ट बस यहाँ पे ये रखना कि म्यूजिशियन और दूसरा इनको जो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कंडोल्ड हिज डेथ ट्वीटिंग मिश्रा जी एसोसिएशन विद द बनारस घराना तो बनारस घराना से ये बिलोंग करते थे ठीक है बनारस घराना से क्या नाम है राजन मिश्रा देन सुप्रीम कोर्ट जज शर्म कलीग जस्टिस मोहन शर्मा ठीक है मिजोरम फॉरेस्ट फायर स्प्रेड टू डाउन से आई है हेलीकॉप्टर जॉइन सफर्स टू तो पुट इट आउट तो यहाँ पे जो है फायर uh, है ठीक है तो फायर फाइटर हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ असम राइफल्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल तो अब आप आज असम awesome राइफल्स का हेडकुआटर बता सकते हैं और कब ये स्टार्ट uh, मतलब शुरू हुई थी है ना इस्टाब्लिश हुई थी कब ये बता सकते हो देन कॉम्प्लेट इन जीनोसाइड तो ये एक आर्टिकल है जो चंदेर उदय सिंह ने लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिथिंग इट्स ऑर्डर ऑन डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजेज अब यहाँ पे हुआ क्या था हुआ ये था कि ये सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के ठीक है चंदेर उदय सिंह तो यहाँ पे एट्थ ऑफ अप्रैल को एक केस था ठीक है क्या केस था मोहम्मद सलीमुल्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे इन्होंने जो मोहम्मद सलीमुल्ला है ये किन के साइड से हैं जो जो रोहिंग्या को डिटेंशन में रखा गया था जैसे जम्मू कश्मीर में है ना तो इनकी साइड से जो प्रशांत भूषण है इनकी पिटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे आपने मतलब जो जो जम्मू कश्मीर में मोर देन सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड समथिंग जो रोहिंग्याज हैं उनको आपने कहाँ रखा हुआ है डिटेंशन में रखा हुआ है और आप उनको ज़बरदस्ती डिपोर्ट करोगे कहाँ उनके जो कंट्री है म्यांमार या फिर कहीं भी आप उनको भेज दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना चाहिए ये इन्होंने अपनी पिटिशन में कहा था ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया है ना एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया टू स्टे द ऑफ रोहिंग्या टू म्यांमार कोर्ट ने नोट किया कि द कंटेंशन दैट मोर देन रोहिंग्या रिफ्यूज इलीगली डिटेंड इन जम्मू एंड दैट ऑफ वर अंडर इमिनेंट थ्रेट ऑफ फोर्सेबल डिपोर्टेशन एट अ टाइम वेन दिविलियन गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार स्टूड अनसीटेड बाई मिलिट्री कू इट इज ऑल्सो नोटेड दैट पिटिशनर रिलाइंस ऑन अ जजमेंट ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डेटेड जनवरी ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी विच रिकॉर्डेड द जीनोसाइडल कंडीशन दैट रिजल्टड सेवन लैख रोहिंग्याज बींग फोर्स टू टेक रिफ्यूज इन बांग्लादेश एंड इंडिया तो यहाँ पर यह है कि एक तरीके से ये रिफ़्यूज़ किया अब ये किसके बेसिस पे बोल रहे थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है ना आर्टिकल 14 क्या कहता है आर्टिकल 14 आप मुझे बता सकते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जैसे मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है और आर्टिकल नाइनटीन है नाइनटीन क्या कहता है नाइनटीन वन ए है ना तो ये सब चीज़ों के कॉन्टेक्स में बोला गया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो गवर्नमेंट का पॉइंट था उसको एक्सेप्ट किया गया और ये बोला गया कि गवर्नमेंट का ये कहना था ना कि नॉन रिफ्यूलमेंट जो होता है नॉन रिफ्यूलमेंट क्या होता है ये केवल और केवल उस पर अप्लाई होगा जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होते हैं जिन्होंने रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है और हमने तो रिफ्यूजी कन्वेंशन भी साइन नहीं किया है एंड दैट द राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड फ्लोज नॉट फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन तो ये सारे ही ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई होता है लेकिन अगर हम राइट टू रिसाइड और जब सेटल इन इंडिया की बात करते हैं अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन ए ठीक है नाइन्टीन वन जी ठीक है क्लॉज जी है तो ये केवल जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं मतलब सिटीजन्स पे ही होता है ठीक है तो रिफ्यूजीज़ को सिटीजन्स का तो स्टेटस रोहिंग्या को तो नहीं मिला हुआ है मतलब सिटीजन का स्टेटस है ना तो ये सब यहाँ पे है एक बार मैं आपको नॉन रिफुलमेंट के बारे में बता देती हूँ ये एक्जैक्टली exactly क्या है इसकी डेफिनेशन द प्रैक्टिस ऑफ नॉट फोर्सिंग रिफ्यूजीज़ की जो रिफ्यूजीज हैं उनको फोर्स नहीं करना असैलम सीकर टू तो रिटर्न की उसी कंट्री में वो वापस चले जाएँ विच दे आर लाइबल टू तो बी सब्जेक्टेड टू तो प्रोजिक्यूशन है ना अभी क्योंकि म्यांमार में सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है तो यही सब यहाँ पर बोला जा रहा है और इंडिया ने साइन क्या किया है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइट द जीनोसाइट कन्वेंशन उन्नीस सौ अड़तालीस की एंड uh, And दूसरा जो है हमने क्या किया है और इंडिया हैज़ ऑल्सो रेटिफाइज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स एंड अ नंबर ऑफ अदर यू एन कन्वेंशन दैट ऑल्सो हैव अ बियरिंग ऑन नॉन रिफुलमेंट पर्टिकुलरली दोज डीलिंग विद द राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन बोथ ऑफ विच हैव बीन डिक्लेयर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू बी पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क अगर ये सब होते इसके अंतर्गत कुछ होता तो हम कुछ सोचते भी है ना अभी जब ऐसा नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर होड लगा या इस पिटीशन को रिजेक्ट किया व्हाट शुड द सुप्रीम कोर्ट डू सो यहाँ पे यही बोला गया कि टू पॉसिबल सॉल्यूशन इसके देखने को मिल रहे हैं एक तो यही कि जो इंटरिम ऑर्डर है तो कोर्ट स्पेसिफाई करे कि दैट द रोहिंग्या रिफ्यूजीज में नॉट बी डिपोर्टेड अनलेस द प्रोसीजर प्रिस्क्राइबड फॉर सच डिपोर्टेशन फॉलोस है ना कि मतलब एक जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए और आ, दूसरा क्या है कि मतलब सो मोटो क्लेफाई करना चाहिए दैट इट्स इंटरम ऑर्डर मीन्स दैट द रिफ्यूजिज में नॉट बी डिपोर्टेड कि जब तक ड्यू प्रोसेस नहीं होगा उसको आप डिपोर्ट नहीं कर सकते हो या तो ये इंश्योर करें है ना और एक्स एज रीजनेबल थ्रेट ऑफ प्रोजिक्यूशन म्यांमार तो म्यांमार में जो है उनको थ्रेट वगैरह ये सब तो हो ही रही है लास्ट रिफ्यूज मतलब इससे हमारी जो कंट्री की छवि है वो भी सुधरने का एक तरीके से छवि क्या मतलब मतलब कोर्ट कोर्ट uh, मतलब मेनली वो जो अपनी उनकी जो हार्ड एंड रेपुटेशन है कि एक तरीके से अगर यहाँ न्याय नहीं मिल रहा वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है रिफ्यूजीज के साथ कुछ अन्याय हो रहा है या फिर रोहिंग्याओं के साथ कुछ हो रहा है जबरदस्ती उनको रखा गया डिटेंशन में तो अगर उनको न्याय मिलेगा तो लास्ट रिफ्यूज क्या है इसके लिए कोर्ट है तो वो भी उनका क्या हो सकता है वो इमेज जो है वो रिडीम हो सकती है कि वो ऑपरेस्ड और जो बी विल्डर्ड क्लास है है ना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है तो ये हो सकता है अब आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि जी मतलब क्या जो हमारी कंट्री में आज जहाँ पे मतलब अगर एक मैं अगर चलो इसके पक्ष में बोलती हूँ तो आपको इसके विपक्ष में एक पॉइंट देना है ठीक है चलो मेरे अकॉर्डिंग रोहिंग्यास को मतलब इंडिया में जो शरण देना वो सही नहीं है मतलब ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड को अगर हम हटा दें ठीक है क्योंकि ये बात उसकी नहीं है कि छः हज़ार सात हज़ार है ना सात लाख समथिंग कुछ मतलब इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे अचानक से आधे अगर चार लाख अगर बांग्लादेश भी चले जाए बाकी के यहाँ आए तो भाई कहाँ अभी हमारे जो खुद के जो देश में लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं ठीक है जॉब नहीं है तो बाकी के हम इन रोहिंग्याओं का मतलब क्या करेंगे बाकी के जो आ रहे हैं तो किस तरीके से क्या शरण देंगे तो आप अपना पॉइंट बता सकते हैं इसमें सेंटर सेकंड शॉट वैक्सीन कैन नॉट बी द न्यू ऑक्सीजन इट नीड्स सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट और मतलब इसके साथ साथ बहुत सारी और अदर थ्रेड भी हैं ना कि हमारे और मतलब दूसरी थ्रेड भी इंटरनल सिक्योरिटी को सेंटर सेकेंड शॉट जो है वैक्सीन कैन नॉट बी द न्यू ऑक्सीजन इट नीड्स सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डे uh, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए प्रोक्योरमेंट को नहीं ठीक है कोविड वैक्सीन जो एक है पब्लिक गुड के लिए है और सेंटर हैज़ टू हेल्प मिस रोल आउट द टारगेट अभी उन्होंने क्या किया है एक्सपेंड किया है इसको कि एटीनथ से जो ऊपर के एज के लोग हैं मे फर्स्ट से सबको ही वैक्सीनेट किया जाएगा

एंड विद स्टेट्स एम्पावर टू परस्योर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी थी